देश भर में महिलाएं ज्वेलरी की दीवानी होती हैं। उन्हें कोई भी ज्वेलरी पहना दी जाए तो वह बड़ी खुशी से पहनी हुई नजर आएंगी। सोने और चांदी से बने गहने महंगे होते हैं। फिर महिलाओं के पास विकल्प के रूप में आर्टिफिशियल ज्वेलरी विकल्प होती है, जो कि महंगी नहीं होती, उसे आसानी से हर कोई खरीद लेता है। आज हम आपको कागज़ से बनी ज्वेलरी के बारे में बताते हैं। जी हाँ, यह बात आपको हैरान कर देगी, कागज़ से भी कोई ज्वेलरी बनती है। राजस्थान की मरु नगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में अंजलि ने यह काम कर दिखाया। इसने अलग अलग तरह के कागज़ से अनेकों तरह के कई गहने बनाए हैं। अंजलि ने इस तरह के कागज़ से गहने बनाने शुरू किए थे, अब यह गहने लोगों की पसंद भी बनते जा रहे हैं। अंजलि के पास कई तरह के कागज़ से बनाए ज्वेलरी की ऑर्डर आते हैं। वह बखूबी बहुत ही खूबसूरत गहनों का निर्माण करती है। यहाँ तक कि अंजलि के द्वारा बनाए गए गहने पहले अपने घर के आसपास में प्रसिद्धि पाने वालों, अब धीरे धीरे पूरे बीकानेर में अंजलि के द्वारा बनाए गए हैं कागज़ के यह ज्वेलरी डिमांड की जाने लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर नॉमिनेट हो चुकी हैं। पेपर से ज्वेलरी बनाने वाली अंजलि और उसके परिवार से खास बातचीत की बीकानेर की A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने। ज्वेलरी तो अब तक आपने बहुत देखी होगी, आज हम आपको दिखाते हैं कागज से बनी ज्वेलरी किस तरह की होती है, क्या होती है, दिखाते हैं आपको। जो आप बिल्कुल आप जो देख रहे हैं, ये जो पहनी हुई है ये महिला, जो खास बात आप देख सकते हैं, ये जो कागज की लुगदी से बने हुई ये ज्वेलरी है, देख सकते हैं आप, जो बिल्कुल यहाँ हाथ फूल भी है, बैंगल भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। और उसके अलावा आपको ये और दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ भी, ये देखिए राजस्थानी बोरिया, या ये कह सकते हैं कि ये बोरला भी कह सकते हैं, तमाम तरह की अलग अलग तरह के ये क्या कह सकते हैं इनको, सेट कह सकते हैं, माथा पट्टी है, ये देखिए माला भी है कागज से बनी हुई, ये भी देखिए, बड़े हट के अलग अलग चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एंटीक भी लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती। बनाने वाली हैं अंजलि आचार्य, बीकानेर की रहने वाली अंजलि आचार्य। बात करते हैं अंजलि से। अंजलि, तुम ये सब कुछ बना रही हो, कितने सालों से बना रही हो, कैसे बना रही हो? सबसे भाई पहली बात तो है कि कागज की ज्वेलरी क्या? जो हमारे घर में सिलाई का बुकरम होता है, उसे हम कैनवस पेपर बोलते हैं, उस पे ग्लू लगा के उसे चिपका के गोल्डन कलर जो मिलता है उसे गोल्डन कलर करके ब्रश से, उसके बाद उसे सूखने के लिए रखते हैं। उसके बाद जो हमें डिजाइन बनानी होती है उसके ऊपर स्टोन उस शेप में लगा करके फिर से सूखने के लिए रखते हैं। उसके बाद उस शेप को कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके उसको फिर से वो जो शेप दी है उसको ज्वाइन करके और जैसे सेल होता है वैसे सेल करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ चीजें देखी हमने, इनमें ज्यादातर चीजें राजस्थानी से संबंधित कह सकते हैं कि ज्वेलरी है। कैसे, क्या 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 बना लेती है? जैसे बोरला, सीस फूल, माथा पट्टी, हथ फूल, पग फूल, कंगन और चंद्रहार,